शिक्षक है तो अपने वो सरकारी वाले शिक्षक आप सीनियर सिटीजन अगर पर्यवेक्षक में चाहिए तो अपने सरकारी कर्मचारी अपनी लाइन में लगे हुए हैं मंडलेकर जी अगर वो तो देखो अगर आप बोलते पार्टी नमस्कार
ये इन लोगों से कैसे वोटिंग कराया, क्या प्रोसेस थी वोटिंग की? प्रोसेस ये थी कि जिसमें नंबरिंग डले, ब्रेल में नंबर डले हैं 1 2 3 4 ऐसे करके पूरे नंबर डले हैं, और नंबरिंग इन बच्चों को समझा देता है कि भी इस नंबर पे इसका है बंजे का है या कमल है इस नंबर पे, इतना बच्चों को समझा दिया गया। लेकिन यदि इसकी बजाय यदि ब्रेल में पूरा लिखा होता कि भाजपा कमल मतलब ना कांग्रेस, सिंबल भी बने थे, सिंबल बने लेकिन वो कमल ऐसा बना हुआ है, फोटो बने हुए कमल के जो भी है लिखा हुआ है, ब्रेल में तो नहीं लिखा है ना। चुनाव चिन्ह का जो फोटो चुनाव चिन्ह सिंबल ब्रेल में उभरा हुआ चिन्ह बना हुआ था, उभरा हुआ चिन्ह नहीं था, तो फिर इन लोगों की मदद लेना पड़ी आपकी? हाँ, मदद थोड़ा लेना पड़ा, बच्चों को समझाना पड़ा कि भाई इस नंबर पे ये है पंजा है, इस नंबर पे कमल है भाजपा है, इस तरह से उनको समझाना पड़ा क्योंकि सिर्फ नंबरिंग डली थी ब्रेल में। हाँ, पूरा पहली बार वोटिंग किया है इन लोगों ने? नहीं नहीं, दूसरी बार। तो पिछली बार भी मांग उठाई थी? हाँ, ये मांग उठाई थी। फिर किसी ने सुना? नहीं, नाम बता क्रमांक तो डले हैं, अधूरा काम हुआ है ना, पूरा यदि लिखा होता भाजपा कांग्रेस वगैरह तो ज्यादा अच्छा रहता। नाम बता दीजिए आपका। मिसेस चंद्रप्रभा ठाकुर। कितने लोगों ने वोटिंग की है? सभी मतलब कितने? 40, 45 की 40? कितने लोगों ने वोट डाला? फर्स्ट टाइम वोट डाला आप लोगों ने? सभी? अच्छा, वोट कैसे डाला आप लोगों ने? कैसे हेल्प ली किसी की? नहीं। फिर क्या करा? अपने बोलो ना, हमने हमारे कैसे वोट डाला आपने? सर वहाँ पर मतलब जिस भी मशीन की जिसको भी देना है उसके लिए वहाँ पर मशीन थी, और उस चिन्ह के सामने एक साइन चिन्ह बना हुआ था, उसको देख करके किया वोटिंग। तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी क्या? तो आपने खुद मशीन का बटन दबाया और किसी से दबवाया? अच्छा, नंबर के हिसाब से था कि कैसे? नंबर के हिसाब से। अच्छा, तो आपको सिंबल कुछ दिया होगा, साइन दिया होगा? हाँ, वहाँ पर साइन बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग वोट नहीं डालते हैं, घर बैठे रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बोलो ना, वोट जरूर डालना। ओके, सिंबल बना है, हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम से उस पर लिखा भी होना चाहिए हम लोगों की लिपि में, ताकि हमको वोटिंग करने में इजी रहे। क्या ब्रेल लिपि में लिखा हुआ नहीं था? जी, लिपि में लिखा हुआ नहीं था, बस एक सिंबल बना हुआ था। तो कितनी देर लगी सिंबल को पहचानने में? आपने सारे सिंबल पे हाथ रख के देखा क्या, या कुछ सिंबल देखे सिर्फ? ज़्यादा तो नहीं देखे, पर कुछ देखे थे। अच्छा, तो जल्दी जो आपका सिंबल चाहते थे वो जल्दी मिल गया ढूंढने में? नो सर, यदि लिखा होता तो ज़्यादा इजी रहता। ओके, नाम बता दीजिए। यास्मीन। देखो, नाइजीरिया ने इस बार कॉपी करी हमारी। बस ठीक, एक ही दे आ रहे हैं। अच्छा,
किसके सौजन्य से? ये जो व्यवस्था की है नगर निगम ने, छाछ वितरित कर रहे हैं जी। हाँ सर, क्या क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, गर्मी में लोग मतदान करने आ रहे हैं और छाछ मिल जाए तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये पहले भी कभी हुआ है सर? मेरे साथ तो पहली बार हुआ है पिछले 3-4 वोटिंग में। क्या इस तरह की चीजें और होना चाहिए? सभी आप प्रोत्साहित करती है मतदाताओं को और ज्यादा क्या कहना चाहेंगे कि छाछ वितरित की जा रही है इस बार मतदाताओं को सरकार की तरफ से? बहुत अच्छा है। इससे क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है कि इसके अंदर ये है कम से कम गर्मी का ध्यान रखा जो गर्मी में पानी तो कम कर दिया है। ये छाछ जो वितरित की जा रही है आप लोगों की सुविधा के लिए क्या कहना चाहेंगे इसको? बहुत अच्छा वो है। हाँ। बहुत अच्छी बात है, इतनी गर्मी में छाछ देना, लोगों को डिहाइड्रेशन नहीं होगा, लंबी लाइनें हैं, लोग आगे आ रहे हैं 100% मतदान के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, तो नगर निगम का बहुत अच्छा प्रयास है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।